कि एक मकान में आग लगी थी, बहुत से लोग बाल्टी में पानी लेकर आग बुझा रहे थे, एक छोटी सी चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी लेकर आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। एक कौवे ने पूछा कि आप क्यों इतनी मेहनत कर रही हैं, आपकी चोंच के एक बूंद पानी से इस मकान की आग नहीं बुझेगी, आपकी मेहनत बेकार जाएगी। उस चिड़िए ने, उस परिंदे ने क्या शानदार जवाब दिया। उसने कहा कि मुझे मालूम है कि मेरी चोंच के एक दो बूंद पानी से इस मकान की आग नहीं बुझेगी, मगर मैं ये मेहनत इसलिए कर रही हूँ कि जब मकान के जलने बुझने की तारीख लिखी जाए तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाए। तो हम ये चाहते हैं कि अब चाहे सियासत का मुँह खुले, चाहे अदब का मुंह खुले, चाहे कविता का मुंह खुले, चाहे शायरी का मुंह खुले, सिर्फ खुशबू निकले, सिर्फ प्यार निकले, सिर्फ मोहब्बत निकले, सिर्फ दोस्ती निकले, सिर्फ गंगा जमुनी इत्तेहाद और गंगा जमुनी कल्चर का एक इत्र जो है उसकी महक फजाओं में गूंजे, इसी तमन्ना के साथ, इसी आरजू के साथ।